तो अभी हम गए जो है यहाँ पे स्टेशन पे आ चुके हैं, और यहाँ का एक बार जरा व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। सामने जो है सनसेट हो चुका है गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है गाइस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये ब्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं जाने वाला हूँ नवाबों के शहर यानी कि लखनऊ। तो फ्रेंड्स, लखनऊ जाने के दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है गाइस कि जो मेरा छोटा भाई है, मुझे उसके आधार कार्ड में करेक्शन कराना है, क्योंकि गाइस उसके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ की लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है। तो यहाँ बरेली में जो है गाइस, हमने हर जगह ट्राई कर लिया, कहीं भी जो है डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो रही है। तो जो डेट ऑफ बर्थ है गाइस वो लखनऊ में ही चेंज होगी, क्योंकि इसका जो आधार कार्ड का सेंटर है वो लखनऊ में ही है, तो वहीं से हमें चेंज करानी होगी। तो इसलिए गाइस हम जो है लखनऊ जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, दूसरा रीज़न ये है कि मेरी जो बुआ का लड़का है लोकेश, अभी उसका जो है जल्दी में ही यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो लोकेश का चैनल का नाम है लोकेश एक्सपेरिमेंट 07, जो कि एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। तो इसलिए गाइस मैं और जा रहा हूँ लखनऊ, क्योंकि लोकेश से भी मिल चुकेंगे और आप सभी को भी वहाँ मिल पाएंगे। और इसके साथ ही गाइस आप सभी लोग जो है भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि भाई जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं जो है लखनऊ जा रहा हूँ इन दो रीज़न की वजह से ही। तो अभी जो है फ्रेंड्स 9:30 बज रहे हैं और हमारी जो ट्रेन है वो 11:30 बजे है। तो वेट करते हैं गाइस, फिर जो है आप सीधा जंक्शन पे मिलेंगे आपको, और जंक्शन से आगे का जो ब्लॉग वगैरह है वो शूट करेंगे। और इसके साथ ही गाइस हम जो है लखनऊ पहुँचेंगे। तो लखनऊ में भी गाइस घूमने की कोशिश करेंगे, जो वहाँ के बेस्ट प्लेसेस हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही थोड़ा बहुत लखनऊ का व्यू नज़ारा भी हम भी देखेंगे कि कैसा रहता है हमारा जो नवाबों का शहर है लखनऊ, वहाँ का व्यू नज़ारा किस तरीके का है। तो चलो चलते हैं गाइस। और हाँ गाइस, आप लोगों को भी एक बात मैं बता दूँ कि जैसे कि अगर आपके आधार कार्ड में भी कोई इशू है, जैसे कि अगर आपको नेम चेंज कराना है या डेट ऑफ बर्थ है इसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है आपकी, तो आप लोग भी जो है गाइस लखनऊ ही जाइए, क्योंकि वहाँ से ही आपका जो आधार कार्ड है वो करेक्शन हो सकता है। यहाँ पे गाइस मैंने बरेली में काफ़ी जगह ट्राई किया, तो लोगों ने बताया भी था कि ठीक हो जाएगा, और कई सारे लोगों ने तो गाइस बताया कि हम जो है ठीक करा देंगे, तो 2,000 या 3,000 4,000 रुपये लेंगे। तो गाइस एक जगह मैंने जो है 2,000 या 2,500 रुपये दिए भी थे सही कराने के लिए, पर उनसे गाइस ठीक ही नहीं हुआ है, तो उनसे हमने जो है अपने रुपये वापस ले लिए हैं। पर गाइस आप लोग जो है ऐसे किसी के भी बहकावे में ना आए। तो गाइस वैसे तो बहुत ही रेयर चांस में होता है कि ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है गाइस। तो अगर आपके भी आधार में ऐसा कोई इशू वगैरह है तो आप जो है ठीक बिल्कुल या तो इलाहाबाद जाके कराइएगा या फिर लखनऊ से ही डायरेक्ट कराइएगा जाके, ठीक है ना गाइस। तो इन लोगों से बच के रहिएगा गाइस, काफ़ी सारे ऐसे स्पैमर भी होते हैं जो मतलब कि आपके साथ स्पैम कर सकते हैं, रुपये ले लेंगे ज़्यादा और फिर आपके आधार में भी करेक्शन करके नहीं देंगे, या हो सकता है आपके आधार कार्ड को केवल एडिट करके दे दें ऊपर से और आपको लगेगा कि हाँ हमारा आधार कार्ड ठीक हो चुका है, ठीक है ना गाइस। तो इसलिए आप जो है लखनऊ से जो ऑफिस है मेन, वहाँ से ही जाके आधार को ठीक कराएगा। तो चलो अब चलते हैं गाइस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो बैग है वो एकदम बिल्कुल पैक हो चुका है, तो चलो अब निकलते हैं गाइस। 10:30 हो चुके हैं और 11:30 की ट्रेन है, तो अब चलो निकलते हैं गाइस। तो फ्रेंड्स मैं जो है घर से निकल चुका हूँ और यहाँ देख सकते हैं सारे खेत वगैरह हैं और धूप भी जो है काफ़ी तेज़ निकल चुकी है। तो अभी हम जो है गाइस पहले रोड पे जाएंगे, हॉट वगैरह लेंगे, फिर निकलते हैं गाइस। और यहाँ पे देख सकते हैं सारे बच्चे वगैरह, अभी मैच वगैरह चल रहा है यहाँ पे। और गाइस मैं ना फर्स्ट टाइम लखनऊ जा रहा हूँ सच में गाइस, तो देखेंगे जाके इस लखनऊ का व्यू कैसा है, पहली बार जा रहे हैं गाइस। तो फ्रेंड्स हमें जो है ऑटो मिल गया है और अभी हम जो है जंक्शन के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ पे जो है हमें 84 घंटा मंदिर में माता रानी के दर्शन हो चुके हैं, तो चलो दर्शन हो गए हैं। और अब हम जो गाइस बरेली जंक्शन पे पहुँच चुके हैं, तो चलो अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम जो है टिकट लेने के लिए जा रहे हैं, और अभी आप देख सकते हैं अभी जो है सुबह का टाइम है, तो पूरा का पूरा जंक्शन अभी खाली पड़ा है, और थोड़ी देर के बाद देखना गाइस काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी यहाँ पर, तो चलो टिकट ले लेते हैं चल के। तो यहाँ पे गाइस अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन तभी भी अब भी जो है काफ़ी लोग जो है टिकट यहाँ पे ले रहे हैं, तो अभी भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, तो चलो हम भी टिकट ले लेते हैं और चलते हैं। तो फाइनली गाइस हमें जो है टिकट मिल चुका है, तो चलो अब चलते हैं, जो प्लेटफॉर्म नंबर हमारा 1 है वहाँ पर चलते हैं और ट्रेन का वेट करते हैं चल के गाइस। तो गाइस हमारी जो ट्रेन है फाइनली काफ़ी इंतज़ार करने के बाद आ चुकी है, तो सामने आप देख सकते हैं जो ट्रेन है वो आपको आती हुई दिख रही होगी। तो चलो आप फ़ोन को जेब में रखते हैं। तो ट्रेन गाइस हमारे चलना स्टार्ट हो चुकी है, तो चलो बरेली को वाई वाई करते हैं और लखनऊ में मिलते हैं सीधा गाइस। और गाइस आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा कि लखनऊ की जो है सबसे फेमस जगह कौन सी है। तो फाइनली गाइस हम जो है लखनऊ पहुंच चुके हैं, तो ये रहा लखनऊ का स्टेशन। तो फ्रेंड्स चलो एक बार ज़रा आपको यहाँ का भी थोड़ा सा व्यू नज़ारा दिखा दे रहे हैं किस तरीके का है। तो सामने आप देख सकते हैं गाइस कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है स्टेशन बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है यहाँ का स्टेशन। और फ्रेंड्स यहाँ आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये वंदे भारत जो ट्रेन है वो खड़ी हुई है। तो गाइस मैंने तो पहली बार देखी है, जब से स्टार्ट हुई है तब से पहली बार देखी है। तो
तो गाइस यहाँ पे लोकेश भाई हमें जो है लेने के लिए आ चुके हैं, तो चलो अब लोकेश भाई के साथ जाएंगे। तो गाइस अभी हम जो है सबसे पहले नीचे जा रहे हैं सीढ़ियों से, तो यहाँ पे लोकेश भाई हमें जो है अपने साथ लेके जा रहे हैं। लोकेश भाई के घर पे रुकेंगे आराम से, वहीं मौज मस्ती करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम गाइस जो है यहाँ पे स्टेशन पे आ चुके हैं और यहाँ का एक बार जरा व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। सामने जो है सनसेट हो चुका है गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है गाइस। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो ये कोयले वाला इंजन है, ये शायद इसका मॉडल बना हुआ है। और ऊपर आप देख सकते हैं गाइस यहाँ से जो है मेट्रो निकलती हुई जा रही है, तो ये भी गाइस काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ें हैं गाइस यहाँ पे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। और यहाँ पे गाइस सामने ये जो है रेल कोच बना रखा है, और आज जो है क्रिसमस डे भी है, तो इसे जो है काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेशन वगैरह भी की गई है इसकी, तो आप सभी लोग देख सकते हैं गाइस कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये भी देखने में। और गाइस सामने आप जो ये पुल देख रहे हैं, मुझे लग रहा था कि इस पर गाड़ी वगैरह चलती हैं, पर गाइस नहीं, ये जो है मेट्रो वाला पुल है, तो इस पर ट्रेन वगैरह चलती हैं। तो अभी हम जो है गाइस लोकेश भाई के साथ जा रहे हैं, तो लोकेश भाई आगे आगे जा रहे हैं, हम पीछे पीछे। तो यहाँ से अभी हम जो है ऑटो पकड़ेंगे गाइस और फिर जाएंगे गाइस सीधा घर। तो यहाँ का भी आप व्यू देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और यूनिक है गाइस। तो चलो चलते हैं और ये देख सकते हैं इस तरीके से बना हुआ है, ये है गाइस जिसपे गाड़ियाँ चलती हैं वाला पुल है ये। तो फाइनली गाइस हमें ऑटो मिल चुका है और अब हम जो है सीधा निकल रहे हैं घर के लिए। तो चलो अब चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका है गाइस, शाम के जो है 5:30 बज चुके हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है लोकेश के घर से होके अब जो है लोकेश की शॉप पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे भाई जो है काम करने में लगे हुए हैं। तो बाकी का जो ब्लॉग है गाइस वो हम लोग कल शूट करेंगे, क्योंकि गाइस कल ही जो है आधार कलेक्शन के लिए जाएंगे। तो जो भी लखनऊ का जो फेमस प्लेस वगैरह है वो कल ही डिसाइड करेंगे कि क्या क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो आज के ब्लॉग में गाइस बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस बाय बाय करते ही लाइट भी जा चुकी है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।